सरकाघाट पुलिस ने पिछले 10 दिनों में नशे की खेप करने वाले युवाओं को धरा है। सरकाघाट में नशे के कारोबारियों पर नकेल कस ली, जिससे नशा बेचने वालों को पुलिस ने नाक में दम कर दिया है। मेरा आपके माध्यम से सरकाघाट की प्रभु जनता को नमस्कार, और आपने समय हमें दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब पिछले 10 दिनों में हमने सरकाघाट में 3 अलग अलग मामले जो हैं वो नशे के खिलाफ दर्ज किए हैं। इसमें पहले मामले में हमने 4.25 ग्राम चिट्टा जो है वो हटली क्षेत्र में पकड़ा था, जिसमें हमने एक व्यक्ति को इससे रिकवरी हुई थी इस मामले में। उसके बाद हमारे पास 2 किलो चरस, हमने 2 किलो 34 ग्राम जो चरस थी वो हमने सरकाघाट में रिकवर करी थी। इस मामले में 2 युवा जो हैं वो पहले दिन गिरफ्तार किए गए थे, और एक जो है वो फॉरवर्ड लिंकेज में और एक बैकवर्ड लिंकेज में जो है वो अरेस्ट किया गया है। और इसके उपरांत पिछली कल जो है वो 7.43 ग्राम्स के साथ जो है वो 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है चिट्टे के साथ। तो पिछले कुछ दिनों में हमें सफलताएं हाथ लगी हैं, पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकाघाट को हम नशा मुक्त क्षेत्र बना सकें। और इसमें मैं आपके माध्यम से जनता से अनुरोध करूंगा कि हमें आप किसी भी प्रकार की नशे की विषय में जो सूचना है, किसी भी अपराध की जो सूचना है, वो आप हमें बेधड़क होकर दें। आपके द्वारा दी गई सूचना को, आपके नाम को, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी जी। क्योंकि जो भी व्यक्ति हैं, जो भी इस आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं, वो बहुत कम हैं, और जो सरकाघाट की प्रबुद्ध जनता है, जो अच्छे लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मैं सभी लोगों से, सभी अच्छे लोगों से आह्वान करूँगा, सभी प्रबुद्ध जनता से आह्वान करूँगा कि लेट्स मेक सरकाघाट अ बेटर प्लेस टू बी। आप हमारा सहयोग करें, हमें इंफॉर्मेशन दें, सूचना दें, ताकि हम कार्रवाई और दृढ़ निश्चय के साथ और त्वरित कार्रवाई करके सरकाघाट को नशा मुक्त क्षेत्र बना सकें। मंडी से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।